विकास सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में हुई हिंसा को कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस ने 38 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा करने वाले दिन जोश में आकर पत्थर मारने वाले अब पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वही दंगाइयों के पोस्टर पुलिस ने चस्पा किए हैं। दंगाइयों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि दंगाइयों की पहचान बताने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। गिरफ्तारी के लिए आम जनता का अब पुलिस सहयोग भी लेगी। तो कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब पुलिस ने दंगाइयों के पोस्टर बिहार चौराहे पर चस्पा कर दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आम जनता का भी सहयोग लेगी। साथ ही पुलिस ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि दंगाइयों की पहचान बताने वालों के का नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी गुप्त उनके नाम रखे जाएंगे। जो भी दंगाइयों की पहचान बताता है, तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं। ये उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर उपद्रव मचाया था, जमकर हिंसा की थी। ये उन्हीं दंगाइयों की पोस्टर है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही दंगाई है जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। वही लगातार इस मामले में अब तक पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है इस मामले को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र साना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मामला था कान वाला, उसको लेकर जो पुलिस ने कल शाम को जो है प्रिंटिंग प्रेस जो मालिक है जहाँ पोस्टर छपा था उसको लेकर पुलिस जो है उसमें गिरफ्तारी की है। और आप बता चले उसके बाद जो है इसमें 40 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है लगातार। उसके बाद आपको पता चले कि इसमें जो है एक नाबालिग लड़का है, सैलू नाम का लड़का है, उसने जो है बेगमगंज पुलिस को खुद आके सरेंडर किया है। और उसमें जो ताजा अपडेट जो है इसमें जो एसपी अजय पाल शर्मा जो है उन्होंने जो है अब तक लगातार दबिश के दौरान जो है 40 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस वक्त दंगाइयों के पोस्टर भी कानपुर के हर चौराहे पर चिपकाए जा रहे हैं, तो इन पोस्टर में कितने दंगाइयों की तस्वीर देखने को मिल रही है? जो दंगाई जो पोस्टर है उसमें अभी तक जो जो पोस्टर कमिश्नर ने जारी किया था वो 40 लोगों का पोस्टर, उसमें अभी तक केवल 26 लोग की गिरफ्तारी केवल हो चुकी है। और जो जो अदर जो गिरफ्तारी हुई है वो लोग उनकी शिनाख्त बाद में हुई, जब वीडियो वायरल हुआ उनकी शिनाख्त हुई है। और इसमें भी जो लगातार दबिश है बिल्कुल जारी है। और उसमें देखा जाए तो जफर आजमी का जो अकाउंट है वो लगातार खंगाला जा रहा है। और उसके बाद जो जफर आदमी का खंगाला जा रहा है, उसके बाद आपको पता चले कि इसमें जो है सर्विलांस के माध्यम से जो नंबर निकले गए थे उन नंबरों पे जो है कुछ लोगों को जो वीआईपी लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी हो रही है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो अब दंगाइयों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं, तो पुलिस के आगे की रणनीति क्या होगी इन दंगाइयों की गिरफ्तारी को लेकर? आगे जो है पुलिस जो है अपना जो है एक जो मैप बना के जो अजय पाल सिंह है उनका एसपी जो है उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने एक मैप बनाया, मैप द्वारा उसकी समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। डायल 112 के लगभग 200 जो पुलिस कर्मी जो हैं उन्होंने रखा है, वो खुद को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोकल पुलिस की मदद वो कम ले रहे हैं। और जिसमें देखा है तो कोर कमेटी जो है जो बनती है पुलिस की, उसको कोर कमेटी के माध्यम से उसमें जो जो है दबिश जो है लगातार जारी है। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस वक्त जफर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या कुछ अभी तक उस मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही है? क्या कुछ जफर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया? जी आप जफर जो पूछताछ के दौरान जो है अभी सूत्रों से खबर जो आ रही है वो अभी थोड़ी कम आ रही है, और अंदर की बातें जो लीक कम हो रही है क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल मामले आ रहे हैं जिसमें कुछ एमएलए और कुछ एमएलसी और कुछ जो एमपी जो है इसमें इन्वॉल्व है। अभी इस चीज को लेकर जो है कल कमिश्नर ने बात मीडिया ने पूछा भी था कि पूछताछ में क्या निकल गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी ब्रीफ होगा वो पुलिस द्वारा वाइट होगी, पुलिस जो है पूरी मीडिया को मैंने से बताएगी इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो गिरफ्तारियां होंगी जो पूछताछ होगी अभी उसको गोपनीय रखा गया है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है इस मामले को लेकर के बिल्कुल डायरेक्ट मतलब पूरा मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं अजयपाल शर्मा के साथ। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, और कल ये भी सूचना आई थी कि ये दंगा होने से पहले सोशल मीडिया पर कई पोस्टर वायरल किए गए थे बाजार बंद करने को लेकर, कई ग्रुप्स भी ऐसे एक्टिव मिले हैं सोशल मीडिया पर, तो उन ग्रुप्स के खिलाफ अभी तक क्या
कुछ एक्शन लिया गया, क्या उनके एडमिन्स की पहचान हो पाई है? जी हाँ, इसमें देखा जाए तो जो कुछ लोगों की जो ग्रुप्स में जो हुए थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जैसे पाकिस्तान का झंडा लगा था, सोशल मीडिया में वायरल खूब हुआ था, उसको लेकर के जिहाद को लेकर के जो है लोगों जो सोशल मीडिया जो भड़काया था, उसमें लगभग 5 से 6 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें जो कुछ जरी चौकी के हैं, कुछ पटकापुर के हैं, ऐसे जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस दौरान एक प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम निकल के सामने आ रहा है, तो वो कौन सा प्रिंटिंग प्रेस और उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी आपको बता दें, प्रिंटिंग प्रेस जो जैसी थी उसका वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी की जा रही है। उसमें हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस पोस्टर था उसको किसी और ने पोस्ट किया था और उसको किसी और ने मतलब वो किया था, क्या कहते हैं कि ऑर्डर किया था और किसी दूसरे ने पैसा दिया था। अभी वो भी नाम खुल के नहीं आया, पर उसमें देखा है तो एक माननीय नेता है उनका नाम आ रहा है, जिन्होंने पैसा जो दिया था प्रिंटिंग प्रेस को कि पोस्टर को तुमको छाप के रखने हैं। उपेंद्र, इन इस कांड में जिन माननीय का नाम लिया जा रहा है, क्या उनका नाम अभी तक सामने आ पाया है? जी, अभी माननीय के नाम जो है अभी कमिश्नर साहब ने जो है और ज्वाइंट कमिश्नर जो है उन्होंने अभी तक नाम ने क्लियर नहीं किया है। और आप बताते चले कि जो पुलिस है जो भी है अपना जो कार्य कर रही है, जो दबिश डाल रही है, उसको मीडिया से कम रूबरू कर रही है। पहले जो है वो समीक्षा स्वयं करते हैं, उसके बाद जब है उससे सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। और लगातार आपको बताते चले जो इसकी मॉनिटरिंग जो है सूबे के मुख्यमंत्री के पास हर मतलब हर घंटे की मॉनिटरिंग जो है अजय पाल शर्मा जो है सीधे मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। यानी कि उपेंद्र, ये माना जाए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई नामचीन हस्तियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप दरअसल जब जब ये पूरा मामला आएगा सुनकर, क्योंकि अभी अभी तक जफर से जो पूछताछ की गई है उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी मीडिया को नहीं दी गई है। और जफर को ऐसी जगह रखा गया जहाँ मीडिया पहुंच सकती है। और जो कमिश्नर साहब है विजय सिंह मीणा, उनका साफ कहना है कि जो अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। और दबिश लगातार जारी है, वो इसमें जैसे आपको जो पोस्टर कल चपकाए गए हैं दीवारों पर चपकाए गए, उससे जो है लोकल लोगों स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और भी कार्य करे जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करने के लिए। और देखना, एक सवाल ये उठता है कि जो कानपुर पुलिस कमिश्नर जो पोस्टर जारी किया 40 लोगों का, उसमें जो 13 नंबर पे जो आदमी है वही आदमी 31 नंबर पे भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें चूक है या पुलिस की लापरवाही नजर आई इसमें। यानी कि ये कहा जाए कि जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं उसमें एक ही व्यक्ति 2 बार पोस्टर में नजर आया है। उपेंद्र, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी कि इस पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? जो 40 लोगों का पोस्टर जारी हुआ है उसमें लगभग अभी तक तो केवल 28 लोग 29 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो अदर लोग थे उनकी गिरफ्तारी चालू हो रही है। और जो नाबालिग लोग जो अंदर बंद अभी हैं गिरफ्तार हुए हैं, उनको अभी देखना ये है कि वो उनको बच्चा जो बाल सुधार गृह भेजा जाता है कि या फिर उनको जिन धाराओं में जफर आसिंग भेजेगा उसी धाराओं में उनको भेजा जाएगा। यानी कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पुलिस नाबालिगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और CA NRC के तर्ज पर अब दंगाइयों के पोस्टर कानपुर के चौक चौराहों पर भी देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं की मदद से पुलिस दंगाइयों तक पहुंचेगी। लखनऊ में RSS कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि अलीगंज के सेक्टर क्यू स्थित RSS कार्यालय को ये धमकी मिली है और इस मामले में प्रोफेसर नीलकंठ की तहरीर पर मड़ियाव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप के जरिए सोमवार रात 8 बजे ये धमकी दी गई थी। इसके अलावा उन्नाव और कर्नाटक के भी RSS कार्यालय को ये धमकी मिली है। धमकी भेजने वाले नंबर को अब साइबर सेल की मदद से खंगाला जाएगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है जहाँ RSS कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बताते चले कि इस धमकी के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है, यानी व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी मिली है कि RSS कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि लखनऊ के अलावा उन्नाव और कर्नाटक के भी कार्यालय हैं जिन्हें RSS ने धमकी दी है और ये सभी धमकियां सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए दी गई है। यानी कि इन सभी धमकियां भेजने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि व्हाट्सएप के जरिए सोमवार रात 8 बजे ये धमकी दी गई है। साथ ही अब धमकी भेजने वाले नंबर्स को अब साइबर सेल की मदद से भी खंगाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वही कार्यालय है उत्तर प्रदेश RSS का जिसको बम से उड़ाने की धमकी व्हाट्सएप पे दी गई है। वही धमकी मिलने के बाद ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पूरी मुस्तैदी से अब इस मामले में लग गया है।
सात धमकी भेजने वाले नंबर को अब साइबर सेल की मदद से खंगाला जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि राजधानी समेत देश के 6 आरएसएस कार्यालयों को कल देर रात 8 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के सेक्टर क्यू चौराहे पे आरएसएस का जो कार्यालय है वहां संचालक के तौर पर नीलकंठ तिवारी रहते हैं, नीलकंठ मरी रहते हैं, उनकी तरफ से मरियाव थाना में सूचना दी गई कि बम। आपको बताएं कि व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उन्हें ग्रुप में एक लिंक आया और उसमें ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद उनकी तरफ से इसको इग्नोर किया गया, जिसके ठीक बाद उन्हें 3 मैसेज आते हैं जिसमें देश के 6 आरएसएस कार्यालयों को ठीक 8 बजे रात कल, यानी कि कल रात 8 बजे बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आती है, जिसके बाद वो आनंद फानंद में सुल्तानपुर में थे और सुल्तानपुर में अध्यापक के तौर पे वो वहां काम करते हैं। उसके बाद आनंद फानंद में वो लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 कार्यालय थे, साथ ही साथ 4 कार्यालय कर्नाटक के, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कर्नाटक के पुलिस को भी सूचना दी गई, साथ ही साथ लखनऊ के जो 2 कार्यालय हैं, साथ ही साथ उन्नाव के कार्यालय हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता को भी अलर्ट रहने की बात कही गई थी। मगर आपको बताएं कि नीलकंठ तिवारी की वजह से, नीलकंठ परी तिवारी की वजह से जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उसमें साफ तौर पे धमकी आई होती है कि ठीक 8 बजे, यानी कि कल रात 8 बजे जो आरएसएस के 6 कार्यालय है वो अजावक तत्व द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। आपको बताएं कि जी विभांशु, अगर देखा जाए तो ये धमकी भी व्हाट्सएप के जरिए दी गई है, तो क्या उस नंबर की अभी तक पहचान की जा चुकी है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ताजा मिली जानकारी के अनुसार जिस नंबर से ये धमकी आई थी वो इंटरनेशनल नंबर है और पुलिस प्रशासन आईपी को खंगाल रहा है, साथ ही साथ जो ऐसे शैतानी का तत्व है कर रहे हैं, साथ ही साथ अब इन पहलुओं को जांचेगा, क्या वाकई में ये भारत के अंदर से धमकी आई है या आईपी एड्रेस को बदल के भारत के बाहर से मैसेज आई है, अब इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है और साइबर टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले मैसेजों पर विशेष ध्यान दे, साथ ही साथ ऐसे जो नंबर थे उनकी भी तहकीकात की जा रही है। जल्द माना यह जा रहा है कि जो धमकी देने वाला शख्स है उसे पुलिस प्रशासन गिरफ्त में लेकर अब विधिवत कार्रवाई करेगा। मगर मिली जानकारी के अनुसार अब तक जो धमकी भेजने वाला नंबर है वो बाहर का आ रहा है, देश के बाहर का आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर होगी इस मामले को सुलह करना, इस और मामला सामने रखना। जी विभांशु, अगर देखा जाए तो कानपुर हिंसा के बाद अब आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है? जी बेशक, अगर बात करें तो कानपुर में हुए हिंसा के बाद यूपी के 75 जिलों के जो डीएम है, एसपी है, उनको एक सूचना दी गई कि अपने जिलों में जो मिश्रित आबादी वाले जगह है वहां पे पुलिस पेट्रोलिंग की गश्त लगाई जाए, साथ ही साथ कानून को स्थापित करने की जो बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कि रामराज का एक निर्माण हो, उसी क्रम में पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ हर एक चप्पे चप्पे पे निशाना बनाए रखा है। साथ ही आपको बताया कि कानपुर का जो ये मामला हुआ वो 2001 से लेकर और अगर इतिहास के पन्ने को खंगाले तो वो एक दंगाग्रस्त इलाका है, तो उन सब जगहों पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ माहौल ना बिगड़े जिसको लेकर सोशल मीडिया टीम को भी अलर्ट किया गया है कि ऐसे कोई भी ऐसे अजावक तत्व अगर शैतानी करते हैं सोशल मीडिया पर उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको अगर बात करें तो कानपुर में जो भी दंगाई थे उनके पोस्टर लगाने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ व्हाट्सएप गैंग, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जहां से ये पूरे मामले उठे, उन मामलों में जो भी एडमिन है उनकी भी पहचान की जा रही है, साथ ही साथ अन्य विभिन्न जिलों में भी कानून को स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरीके से स्थापित करने में लगा हुआ है। जी नमस्कार विभांशु, क्या कुछ वजह निकल के आ रही है कि आरएसएस कार्यालय को ही क्यों बम से उड़ाने की धमकी दी गई?
जी इसमें साफ तौर पे ये निकल के आ रहा है, जैसा कि संचालकों का कहना है आरएसएस के, कि हम एक हिंदूवादी संगठन है, साथ ही साथ नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को रखकर और देश के अंदर में सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं देखें तो जो दूसरा तबका है, जो दूसरे अगर देखें तो जो अन्य धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर उनके अंदर एक विरोध रहता है, जैसा कि हाल ही के दिनों में आपने बयानों में देखा मुस्कान। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दों को लेकर उनका निशाना आरएसएस था, मगर अगर देखें तो अब तक की जो जानकारी है उसमें मात्र आरएसएस की जो कार्यालय को उड़ाने की बात कही गई है वो मात्र एक शरारत है, और ये शरारती तत्वों पर जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो लगाम कसने के लिए भरसक है पूरी प्रयास कर रही है। साथ ही साथ अब जो सोशल मीडिया टीम को अलर्ट किया गया है, इसमें जो भी ऐसे कृत्य करेंगे उन्हें विधिवत कार्रवाई करनी, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से दंड विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जी यानी कि विभांशु देखा जाए इन सब के जरिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को प्रदेश में भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी अगर वाकई अगर ऐसे देखें तो मुस्कान पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन पूरी हर जगह पे चप्पे पे निशाना रखा है, साथ ही साथ है जो भीड़ग्रस्त इलाके हैं, मिश्रित आबादी है, उन सब जगहों पर ड्रोन रखा गया है और सोशल मीडिया टीम को अलर्ट कहीं ना कहीं किया गया है, जिससे साफ तौर पे इसका यही एक उदाहरण, एक निशाना कह सकते हैं कि जो प्रदेश सरकार में रामराज की बात की जा रही है उसको स्थापित करने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार जो इस पे काम कर रही है उसी क्रम में पूरी ध्यान और निगरानी लगाने की बात कही जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं कहीं हिंसा ना हो सके। जी विभांशु, आखिर कब तक प्रदेश दंगे की आग में भड़केगा? कानपुर में हुई हिंसा के बाद अब आरएसएस को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, आखिर कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है, तो कब तक आखिर प्रदेश इन सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलेगा? जी बेशक अगर देखें तो ऐसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के जो आला कमान अधिकारी है उनकी तरफ से हर एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। चाहे आप कानपुर के अंदर में देखें तो आज कुछ मिनटों के अंदर वहां 12 थाने की पुलिस पहुंच गई, सीआरपीएफ पहुंच गई, आरएएफ पहुंच गई, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से तमाम जगहों पे गश्ती की गई, जिससे मामले को महज कुछ घंटे में ठंड कर किया गया, जिससे साफ तौर से निर्देश है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, अगर कहीं अराजकता फैलती है तो वो अपने लाठियों से वहां आप उसके दम पर अराजकता जो फैलाने वाले लोग हैं उन पे विधिवत कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया टीम को जो अलर्ट रहने की बात कही गई है उसमें आप देख सकती है मुस्कान कि आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट पर जो भ्रम फैलाने वाले पोस्ट है जिसमें अगर देखें तो तथ्य सत्य नहीं होते हैं, जिससे आम नागरिक उससे आकर्षित होकर और दंगाई हो जाता है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट है। साथ ही साथ जो ऐसे फैक्ट चेकर हैं उनसे भी निवेदन किया गया है सरकार की तरफ से कि ऐसे कोई भी अगर मैसेज चलाए जा रहे हैं तो आप फैक्ट को चेक करके जनता के समक्ष रखें, जिससे लोगों के अंदर भ्रम ना फैल सके। जी मुस्कान धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां व्हाट्सएप के जरिए आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देर रात 8 बजे दी गई। इसके अलावा उन्नाव और कर्नाटक के भी आरएसएस कार्यालय को ये धमकी दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अब धमकी भेजने वाले नंबर्स को साइबर सेल की मदद से खंगालने की भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।